बधाई दूंगा उनके न्यू कलेक्शन पे. वो हमेशा एक इनोवेटिव अलग टाइप का उनका डिजाइनिंग रहता है और मैं काफ़ी सालों से उनको जानता हूँ और मेरे ख्याल से अपने आप में उनका जो एक स्टाइल है, उनका जो पैटर्न है कपड़ों का, ओवरऑल कट्स का, इतनी फाइन जो उसके डिटेलिंग्स होती है, तो मेरे ख्याल से वो अपने आप में बहुत अच्छी बात है. एंड माई विशेज टू श्रुति एंड द होल टीम ऑफ हर एंड बेस्ट विशेज टू हर. कोई 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 ऐसा है जिसमें मुझे लगेगा कि यूज़ कर सकता हो तो डेफिनेटली करूँगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा वो हमारी फ्रेंड है, फैमिली है, मैं उनके परिवार को अच्छे तरीके से जानता हूँ काफ़ी सालों से, तो अगर कुछ ऐसा होगा तो डेफिनेटली यूज़. मेरी फिल्म में मैंने अभी स्क्रिप्टिंग का काम रखा है, आई एम जस्ट राइटिंग द स्क्रिप्ट राइट नाउ. आई वॉज बीन ट्रैवलिंग अ लॉट टू अब्रॉड. हिंदू सरकार को लेके मैं काफ़ी गया, फिर मैंने मुंबई मिस बनाई एक शॉर्ट फिल्म, उसको लेके मैं काफ़ी ट्रैवल किया हूँ, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि अभी स्क्रिप्टिंग का काम ये साल शुरू करूँगा मैं. तो मैं काफ़ी ट्रैवल किया, मैं रशिया गया, बर्लिन गया, कोरिया गया, अलग अलग देशों में गया, नॉर्वे गया, तो ये साल में पूरा प्लान करके आपको जल्दी बता दूँगा कि मेरी स्क्रिप्ट क्या है, फिल्में बनाऊँगा. अच्छा लगता है फिल्म बनाना, अलग अलग टाइप के इशू बनाना. हिंदू सरकार हैज़ बीन अ ग्रेट रिसेप्शन बाय द पीपल, एवरीबडी इज़ अप्रिशिएट. कीर्ति गुलारी, नील नितिन मुकेश को सराहा, क्रिटिकल अक्लेम हुई, पिक्चर अच्छी सराही लोगों ने. तो छोटे बजट की फिल्म थी और नॉन स्टाकास फिल्म थी, लोगों ने बहुत अच्छा उसका रिस्पॉन्स दिया, मैं खुश हूँ. हालाँकि कॉन्ट्रोवर्सी बहुत हुई, बहुत लोगों ने इस पर उत्पात मचाया, बहुत लोगों ने इस पर जाके काफ़ी परेशान की, बट लेकिन ठीक है. जैसे मैंने कहा मैं आई एम अ फाइटर, हमेशा लड़ता रहा, तो ये भी एक हिस्सा था कि इस तरह की चीज़ें भी होती है. देखिए अभी मेरे ख्याल से मैंने देखिए मैंने पहले भी इस बात की निंदा की थी कि दीपिका को लेकर, बंसाली जी को लेकर इस तरह की बातें की गई थी कि भाई जिस तरह से अब शब्द के उपयोग किए गए थे वो भी गलत है. दीज थिंग्स कैन नॉट बी टेकन एंड दे शुड रिस्ट्रेन फ्रॉम मेकिंग सच कमेंट्स. और मैं यही चाहूँगा, अभी सेंसर ने पिक्चर पास की है तो मेरे यही विनती है और मैं कहूँगा कि पिक्चर अच्छी तरह से उसको रिलीज हो जाए. Outfit is, you know, you can wear it, you know, in different ways and different events, different places. It has a bit of bling, but it's in a very subtle way, and I love how it looks on me, and I absolutely love it. Summer hai, so of course not just me, everyone loves to be comfortable. Garmiya hai, of course, and Bombay is extremely humid. I personally love being in malmals and cottons and, you know, khadis and fabrics, which keeps you cool, yet, you know, fashionable. So yes, of course, these are the fabrics that you will see
also and on me also. मैं धमाकेदार छोटा मोटा कुछ ना कुछ इधर उधर तो करती रहती हूँ. करंटली आई एम शूटिंग फॉर यू नो वेब सीरीज विच इज़ कॉल्ड प्यार का पंच. इट कम्स ऑन अ यूट्यूब चैनल कॉल्ड शिटी आइडियाज़ ट्रेंडिंग एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट, क्योंकि वेब में बहुत फ्रीडम मिलता है जो आप चाहते हैं वो करने का एंड स्मॉल एंड आई थिंक इट्स वेरी रिलेटेबल. सो आई थिंक एज ऑफ नाउ आई एम एंजॉइंग दैट. देर आर फ्यू थिंग्स बट इफ दे मटीरियलाइज आई विल अनाउंस देम. दैट टी वी में थोड़ी सी ज़्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि टी वी शोज बहुत ही डिफिकल्टी के बाद बनते हैं. लाइक एक इट टेक्स 6 months टू मेक अ टी वी शो, क्योंकि कॉन्सेप्ट होता है, प्रोडक्शन हाउस उसको पिच करता है, चैनल को अप्रूव करता है, फिर वो बनता है, फिर इट टेक्स अ लॉट ऑफ मनी एंड टाइम एंड उसको फिर टी आर पी के चक्कर में फंस जाता है. अगर आई तो ठीक है, चला, नहीं तो नहीं. वेब पे फिलहाल बनाने की बहुत आसानी है, कॉन्टेंट का काफ़ी फ्रीडम है. एक्टर्स के लिए भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि अब जो मैं चाहती हूँ करना, और जब मैं ही नहीं जितने वेब सीरीज़ चल रहे हैं आप वो सब देखेंगे, देर प्रीटी बोल्ड, देर प्रीटी डिफरेंट. सो या देर इज़ नो रिस्ट्रेंट ऑन वेब. तो एज ऑफ नाउ दैट इज ईजी, बट यस टी वी इज़ ब्रेड एंड बटर. थैंक यू सो मच.